हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में, और मैं दीपिका आपका वेलकम करती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी होम रेमेडी ऐसी लेके आई हूँ जिससे आप अपने फेस पे ग्लो ला सकते हो, और उसमें कोई खर्चा नहीं है आपका, फ्री का है, और उसको आप यूज़ करके बहुत अच्छा सा अपने फेस पे ग्लो ला सकते हो, अपने डार्क सर्कल्स दूर कर सकते हो, आप अपनी एंटी एज यानी रिंकल्स दूर कर सकते हो, और आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और आज अभी मैंने उसको यूज़ करा है तो देखो मेरा फेस कितना अच्छा सा हो गया है, चमकदार, और इस तरीके से फेस शाइनिंग करने लगता है, आपको भी हल्का हल्का सा शाइनिंग दिख रही होगी। तो अभी मैंने उसको यूज़ करा था, और कैसे यूज़ करा था वो मैं आप लोगों सबने शेयर कर रही हूँ, तो चलो देखते हैं। मैंने लिया है एक संतरा, संतरे को पूरा नहीं लूँगी मैं, सिर्फ उसके छिलके लूँगी, इस तरीके से पूरे एक संतरे के छिलके लिए हुए हैं, और उसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा करके ग्राइंडर यानी कि मिक्सी में मैं उसको पीस लूँगी। आपने इसको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, फिर आपने इसको मिक्सी में पीसना है, पीसने के बाद आप इसका पेस्ट तैयार करोगे। ये मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया इस तरीके से, ये दरदरा दरदरा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपने इसमें ग्लिसरीन मिलानी है आधा चम्मच ग्लिसरीन मिला के अच्छी तरीके से उसको मिक्स करना है। फिर आपने अपने बालों को कर लेना है पीछे इस तरीके से, बालों को पीछे करने के बाद बिंदी को रिमूव कर दीजिएगा अगर आपने बिंदी लगाई हुई है तो, और फिर आप इसको अप्लाई करते हैं इस फेस पर। आप इसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिला सकते हो भीगी हुई पेस्ट बनाकर, आप इसमें जौ का आटा भी मिक्स कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से आपका फेस स्क्रब हो जाता है। होता है तो इसलिए ये आपके इस ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करता है, और आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, क्योंकि दरदरा दरदरा होता है, और जब आप इसको रब करते हो अपने फेस पे तो आपके भी जितनी भी डेड स्किन है वो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और आपके फेस में ब्लड का सर्कुलर होने लगता है जिससे आपकी स्किन तरोताजगी हो जाती है। और इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी ग्लो के लिए होता है, और बहुत अच्छी तरीके से करिएगा आप इसको, हैंड पे भी यूज़ कर सकते हो। आँखों के चारों तरफ भी यूज़ करिएगा, और जहाँ पे रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम लग रही हो वहाँ पे इसको अच्छा ढंग से करिएगा मसाज। और नीचे टॉवल या आप कागज कुछ भी बिछा लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया गिरता बहुत है। लेकिन ग्लो बहुत ज्यादा आ जाता है इसमें। और एक बात और, जहां पर आपके ओपन पोर्स होंगे और जहां पर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होगी वहां पर ये आपको हल्का सा छिड़छिड़ाहट सी लगेगी, हल्का सा जैसे आपको चिलमिल चिलमिल सा लगेगा,
लेकिन आप उसको घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। कितना अच्छा सा वाइट वाइट सा होने लगा। कम से कम 10-15 मिनट तक आपने इसको करना है। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखो ये सूखने सूखने सा लग गया। ऐसे ही आप हाथ पे भी कर सकते हो। जैसे देखो हाथ सर्दियों में खराब खराब से हो गए हैं, उसको भी आप ऐसे कर सकते हो हाथों में चमक के लिए। देखो फेस ड्राई ड्राई सा हो गया है। अब इसको हम पानी से वॉश कर लेंगे, नॉर्मल पानी से वॉश करके मैं आती हूँ फिर बताती हूँ। मैंने नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे रब कर लेंगे। देखो कितना फेस क्लीन क्लीन सा हो गया है ना, और आपके फेस से खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। बहुत अच्छा। देखो मेरे आँखों के पास कितना डार्क सर्कल था, वो भी कितना क्लीन क्लीन हो गया और सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। हाँ आपके फेस में हल्की सी ईचिंग जरूर होगी, हल्की हल्की होगी, लेकिन ज़्यादा आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि विटामिन सी है इसमें। मैंने अभी आपको बताया था कि संतरा है, संतरे में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और उसके छिलकों में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप इसको यूज़ करते हो तो हल्का सा, जब कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे खेल खेल में संतरे का छिलका दबा के आँखों में डालते तो जलन सी होती है। तो जहाँ जहाँ पे आपकी गंदगी होगी फेस पे, जहाँ जहाँ के आपके डेड सेल्स होंगे, तो वहाँ पर आपको हल्का सा जलन जलन सी होगी। जलन सी नहीं मतलब चुभ चुभ ना सा ऐसा हो फील होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, वो आपके जो डेड सेल्स हैं वो फिर से सही हो रहे हैं, तो इसलिए आपको हल्का सा ऐसा लगेगा। लेकिन आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपका कलर भी फेयर हो जाएगा अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाते हो। और जब आपका सही हो जाए तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके जितने भी ओपन पोर्स वगैरह हैं सब ठीक हो जाएंगे, आपके जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो भी आपके रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये दरदरा दरदरा सा होता है। तो आज की एडवाइस आपको मेरी कैसी लगी अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। जब बिंदी लगा लेती हूँ तो मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूँगा आप लोगों को मिल जाए। और नेचुरल चीज़ों को आप घर पे यूज़ करो तो आप अपने आप को अच्छा सा बना सकते हो। और कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा बहुत अच्छा सा लग रहा है और स्किन भी टाइट हो गई, मतलब देख लो आप खुद ही देख लो कितनी चमक आ रही है ना। जबकि मैंने अभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, लिपस्टिक लगा लूँगी तो ज़्यादा ही चमकेगा, मैं चमको बन जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।